हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो मैं हूं अंशु गोस्वामी और आज हम लोग आए हैं यहाँ पे जंगलों में घूमने के लिए। जो रोहतास जिला का जंगल है, जंगल बहुत घना है भाई लोग, बहुत घना। आप लोग दूर दूर तक देख पा रहे होंगे, चारों तरफ जंगल ही जंगल। और जंगल में यहाँ सड़क भी है, हम लोग उसी सड़क पर चल रहे हैं। और हमारे ड्राइवर साहब मखनचू, हाय गाइस। और हम लोग आज आनंद ले रहे हैं जंगल का घूमने का। काफ़ी दिन हो गया था, घर से बाहर नहीं निकले थे, तो मन किया कि चलो आज घूम के आते हैं। तो आज निकले हुए हम लोग शहर पे, और लेकिन जंगल में हुए, लेकिन कहीं जंगली जानवर नहीं नजर आ रहे हैं। और काफ़ी जानते हैं जंगली जानवर, कौन सा जानवर है यार? लग रहा है हिरन, लग रहा है हमको यार। तो कुछ इधर हिरन दूर पे है, उधर कुछ दूर पे हिरन उरन देखने को मिले हैं अभी एक आध। आगे चलिए आप लोग को दिखाते हैं। गाइस देखिए, ये दूर दूर तक फैला हुआ है और यहाँ पे सड़कें भी बनी हुई हैं जंगलों में। जहाँ तक देखेंगे आप, काफ़ी दूर तक फैला हुआ है और आगे और भी घना जंगल है। और हम लोग घने जंगल की ओर बढ़ते हुए, चलिए आपको दिखाते हैं। फल फूल का पेड़ है कि नहीं इसमें? बहुत ज़्यादा, लेकिन अब और खाने के बाद जिंदा रहिएगा कि मर जाइएगा उसका भरोसा मेरे पे। खाए तो नहीं है, हम आए हैं बहुत बार लेकिन खाए नहीं। और इधर आसपास के जो स्थानीय लोग हैं, यहाँ पे आया करते हैं लकड़ियों के लिए या अपने भेड़ बकरियों को चराने और आने के लिए, गायों को भी। तो वो भी लोग हैं यहाँ पे, मैं आपको चलिए दिखाता हूँ। यहाँ पे एक लेडीज दिख रही हैं दूर, यहाँ पे कुछ लोग भी दिख रहे हैं लकड़ियाँ काटते हुए, लड़के बच्चे कुछ। यहाँ पे गाय माता ने रास्ता रोक रखा, अब रास्ता दे दिया है। और ये देखिए कितना ही पतला रास्ता है सकरा। मतलब हम आए थे तो ऐसा नहीं था, ये सब घास वास नहीं था, पूरा रोड क्लियर दिख रहा था। अच्छा। अभी तो यहाँ पे थोड़ा सा मूर्ति है, मंदिर है, मंदिर में मतलब शंकर जी का है वो। अच्छा। पूजा उजा भी अरे मंदिर लगे हम भी बैठल। देखिए चारों तरफ बहुत ही घना जंगल है गाइस। चलो 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 इधर चलो इधर 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 कहाँ जाइएगा? बोतल पकड़वा दीजिए खाली। तो अभी रास्ता ब्लॉक हो गया है, भी ये लोग बाइक अंदर जा नहीं सकता है। तो आप लोग को आगे का सीन मैं ही दिखाऊंगा। तो गाइस देख सकते हो बहुत जंगल है गाइस, मतलब क्या ही बोले कि कितना बड़ा जंगल है, बहुत बड़ा जंगल है। आप घूमते घूमते थक जाओगे गाइस, लेकिन रात हो जाएगा, सुबह भी हो जाएगा। बहुत बहुत पूरा घूमने के लिए आपको कम से कम 5 या 6 दिन लगातार इसमें रहना पड़ेगा, खाना पड़ेगा। खाने के लिए तो कुछ है नहीं, इतना बड़ा जंगल है। और फल फूल भी यहाँ पे फरता है, तो गाइज पता नहीं कैसा होता है कैसा नहीं, मेरे को तो नहीं पता। और देख ही सकते हैं गाइज बहुत बहुत है। और मैंने अंशु भैया को वहाँ पे छोड़ा हुआ है, वहाँ पे दिख रहे हैं वो लोग, वहाँ पे देख सकते हो गाइज, यहाँ पे अंशु भैया को मैंने छोड़ा हुआ है। और अभी देख ही सकते हो बहुत ज़्यादा, बहुत घना है, बहुत घना है, इतना घना है कि क्या ही बोले गाइज। और अगर चैनल पे आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा गाइस शेयर करना, ठीक है? क्योंकि आप लोग का सपोर्ट हमें चाहिए ही चाहिए, देते रहना अपना सपोर्ट यार। तो गाइस देख सकते हो पूरा एकदम, जितना अंदर जाऊँ मैं आपको दिखा सकता हूँ अभी, लेकिन इधर जाने के बाद गुम भी हो जाऊँगा। इसलिए सावधानी ज़रूरी है गाइस, जंगल में सबसे बड़ा सावधानी। एकदम देख ही सकते हो पूरा एकदम सीन, देख सकते हो आप लोग, देख सकते हो पूरा सीन। अब क्या ही बोलेगा इसकी, कैसा सीन चलेगा। उफ, मैं तो थक गया। अभी मैं और आप लोग को आगे तक दिखाऊंगा। देख सकते हो यार, मतलब क्या ही नज़ारा है यार, देखो एकदम मस्त नज़ारा। घर भी है, बहुत पुराना घर है, बहुत पुराना, आज से बहुत पुराना, आप तो मेरे को पता नहीं, लेकिन बहुत पुराना घर है। यहाँ पे देख सकते हो यार, पुट्ठी उट्ठी सब है यहाँ पे। बैठने वाला देखो, यहाँ बैठने वाला बनाया गया, वहाँ पे भी है कुछ बैठने वाला। गाइस और आगे चलते हैं, आपको दिखलाते हैं जंगल, जंगल का शेयर एकदम मस्त शेयर कराएंगे आपको हम। बहुत बड़ा जंगल है यार, मेरा तो पैर दर्द करने लगा और मोबाइल पकड़े पकड़े हाथ दर्द करने लगा। एकदम पूरा सुन सन्नाटा भाई, देख ले पूरा एकदम सुन, कुछ भी नहीं जा आवाज़ आ रहा, कुछ भी नहीं, एकदम शांत शांत एरिया, एकदम इतना ज़्यादा शांति यार हमारे मोहल्ले में होता है ही नहीं, हमारे मोहल्ला में ऐसा शांति है ही नहीं। लेकिन यहाँ पे आने के बाद अगर फ्रेंड लोग के साथ आओ तो बढ़िया है, साथ में रहो तो बढ़िया है, अकेले नहीं रहना भाई,
कहीं भी जंगल में जा रहे हो तो अकेले नहीं, कभी अकेले नहीं। चलिए गाइस, देखिए गाइस, एक चीज़ दिखा मेरे को, मैं दिखलाता हूँ। अब किस चीज़ का ये लेटरिंग है गाइस, मेरे को तो नहीं पता, लेकिन देख सकते हैं आप लोग। देखिए ये, देखिए गाइस, ये देख सकते हैं आप, दिख रहा है आपको, ये पता नहीं किस चीज़ का है। अब ऐसा है जैसे बकरी का तो लग नहीं रहा है, थोड़ा अजीब टाइप का है गाइस। गाइस ये जगह खतरों से खाली, पूरा घर खतरों से भरा हुआ है, यहाँ से निकलना ही बेटर होगा गाइस। तो चलिए हम लोग यहाँ से जल्दी, जितना जल्दी हो सके हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं। गाइस जल्दी जल्दी अब चलना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि यहाँ पे जो भी मेरे को दिखा है उससे और ज़्यादा डर मेरा बढ़ गया है। अकेले भी हूँ यार, पता नहीं कब क्या हो जाएगा मेरे साथ, मेरे को भी नहीं पता। इससे अच्छा है कि मैं वापस ही लौट जाऊँ। गाइस हम लोग लौट चुके हैं, हम अब फ्रेंड लोग के करीब ही हैं, अब पहुँचने ही वाले हैं, तो जल्दी से एकदम पहुँचा जाए। देखिए आवाज़ आ रही है वहाँ से, हाँ गाइस मेरे को समझ नहीं आ रहा है रास्ता। देखिए मिल गया मेरे को गाइस वहाँ पे वो लोग, और मैं वापस जा रहा हूँ। चलिए हम आ गए, देखिए हमारे अंशु भी यहीं पे बैठे हुए हैं बाइक पे, तो आज का देख सकते हैं वहाँ पे दिख रहा है। तो गाइस आज का व्लॉग यहीं तक, और अब कमेंट करके बताना आगे का अगर वीडियो चाहिए तो पूरा जंगल घुमाएंगे आपको। टाटा बाय बाय, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, समझे। I love you guys.